विलिस्का स्टॉल्टमाइन के जैसा कुछ भी और क्राको के अलावा शायद आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। 327 मीटर डीप इस माइन में हजारों मील लंबी सुरंगें हैं, जहां चट्टानों से एक समय नमक निकाला जाता था, और ये गुफाएं एक यूनिक म्यूजियम बन चुकी हैं। विलिस्का क्राको से 15 मिनट की दूरी पे है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यहाँ पहुँचा जा सकता है। यहाँ एक समय नमक का व्यापार करने वाले अमीर मर्चेंट्स रहा करते थे। टिकट लेके हमारे ड्राइवर ने हमें इन मैडम के हवाले कर दिया, जो यहाँ माइन म्यूजियम की ऑफिशियल टूर गाइड हैं, और ये हमें लिफ्ट, सीढ़ियों और सुरंगों के जरिए लेके गई करीब 100 स्टोरीज की बिल्डिंग की हाइट जितनी गहराई में। तो ये जो स्टैचू है और ये पूरा रूम जो है वो बेसिकली एक सॉल्ट की रॉक हुआ करती थी, उसको कार्व करके बनाया गया। और 12th सेंचुरी से यहाँ पे सॉल्ट माइनिंग हो रही है लगातार। अब रीसेंट टाइम्स में ही 90s में जा करके काफ़ी सारे चैम्बर्स हैं जो डिस्कवर हुए, जिनके बारे में पता ही नहीं था। ये अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है। तो ये अपने आप में एक मार्वल जैसा है कि कैसे 12th सेंचुरी में लोगों ने इतनी डीप डाउन 64 मीटर्स तक नीचे जाके इतनी चौड़ी चौड़ी खुदाई करी हुई है, और पूरे सॉल्ट निकाल के 12th सेंचुरी में ऊपर तक वो लेके जाते थे। घबराइए मत, आज यहाँ सब वेल लाइटेड, वेल प्रोटेक्टेड और वेल मार्क्ड है। पर हाँ, पहले जब यहाँ एक्चुअली माइनिंग हुआ करती थी तब ऐसा नहीं था। यहाँ नीचे जाना बेहद खतरनाक था और माइनर्स की मृत्यु होना काफी आम था। सॉल्ट और रॉक्स के साथ मिक्स हुआ हुआ है यहाँ पर सब जगह। नमक को इन खचरों पे लाद के इन्हीं सकरी सुरंगों से ऊपर तक ले जाया जाता था। बिल्कुल ग्लास जैसा बन गया यहाँ पे सॉल्ट, चमक रहा है, एकदम स्मूथ है। एंड ये कैसे काटा होगा कि एकदम पैटर्न्स बने हुए हैं दीवार के अंदर। इस सॉल्ट को ना सिर्फ खाने में इस्तेमाल किया जाता था, बल्कि मीट और बाकी चीजों के प्रिजर्वेशन में इसका खास रोल हुआ करता था। तो ये वो राजा थे जिन्होंने सॉल्ट माइनिंग से बहुत ज्यादा पैसा कमाया और उस पैसे से क्राको की पूरी सिटी बिल्ड करी, और हॉर्सेस का यूज इन्होंने ही स्टार्ट किया माइनिंग के अंदर। हॉर्स ये लाते कहाँ से थे, मतलब कैसे लेकर आते थे नीचे तक, ये तो एक अपने आप में मिस्ट्री है। मुझे तो समझ में नहीं आया। बट ये देखिए कैसे दीवारों के अंदर लकड़ियाँ फंसा फंसा के एक सॉलिड दीवार बनाई है सपोर्ट करने के लिए चैम्बर को, उसकी सीलिंग को। इतना सॉल्टी है यहाँ पे एनवायरनमेंट कि जो लकड़ी बाद में लगाई होगी कभी, उसके ऊपर तक भी सॉल्ट आ गया है। सारी जगह पर सॉल्ट है, ऊपर की सारी लकड़ी। माइनर्स रात को यहाँ रुका नहीं करते थे, वो लोग वापस चले जाते थे ऊपर, बट यहाँ कॉन्टिन्यूसली माइनिंग होती रही है डिफरेंट चैम्बर्स में। तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ में तो वो सी सॉल्ट यूज़ किया जाता है, यानी कि सी से बनने वाला सॉल्ट इंडिया में भी काफ़ी पॉपुलर है, जो कि बिकॉज वो ईजी है। इस तरीके का रोप सिस्टम होता था और इस पुली से बेसिकली चला के चीज़ों को लिफ्ट करते थे। तो एक बार में 300 किलो तक का भी सॉल्ट ये ऊपर ट्रांसपोर्ट कर सकते थे। एंड जो सॉल्ट होता था उसे सिलेंड्रिकल ब्लॉक्स में काटते थे ताकि उसे रोल करके यहाँ तक इजीली पहुँचा सकें। माइन में काफ़ी सारे चर्चेस भी हैं जो डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट एरा में बनवाए थे, ताकि हर दिन काम शुरू करने से पहले भगवान से सुरक्षा की फरियाद की जा सके। इन सब में सबसे बड़ा और खूबसूरत चर्च है ये सेंट किंगास चैपल। और हमारी गाइड बता रही थी कि इस जो इतना बड़ा सा स्पेस आप देख रहे हो, इसमें जो रॉक सॉल्ट था उसे माइन करने में ही यहाँ पर कम से कम 30 साल लगे थे, और उसके बाद ये सब जो रॉक कार्विंग्स बनाई हैं, पूरा ये चैपल बनाया है, उसमें 67 ईयर्स का समय लगा था। ये सब बाइबल के सीन्स हैं जो कि सॉल्ट में कार्व किए गए हैं। चमक भी रहा है कहीं कहीं, पता नहीं कैमरा पे आ रहा है या नहीं, ये भी चमक रही है जगह जगह पे। ये शैंडलियर्स हैं, ये भी सारे
जो क्रिस्टल्स हैं वो एक्चुअली सॉल्ट क्रिस्टल्स ही हैं। केवल ये चर्च देखने के लिए भी सॉल्ट माइन में आए तो सफिशेंट है, मतलब इतना ब्यूटीफुल है, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, जो कारीगरी है ना वो ज़बरदस्त है। सो बेसिकली दिस इज़ लाइक अ टेम्पल ऑफ ह्यूमन एंडेवर, मतलब अगर इंसान चाहे तो वो क्या नहीं कर सकता। सोचो 70-80 मीटर डीप डाउन इन द अर्थ इतनी बड़ी चीज़ को एक्सकेवेट करके इतना सुंदर जगह बना दी। तो कई बार सॉल्ट को काट पाना पॉसिबल नहीं होता था, तो क्या करते थे कि मशाल से उसको लाइक गर्म करते थे, हीट करते थे और मेल्ट करके सॉल्ट को इकट्ठा करते थे। ये सॉल्ट लेक है, पूरा सॉल्ट का पानी है, 32% सॉल्ट, जो कि डेड सी से भी ज़्यादा है। 1900 में खच्चरों की जगह ऐसी रेल्स, ट्रॉलीज और पुलिस के जरिए नमक को ऊपर तक पहुंचाया जाने लगा। अब हम लास्ट लेवल पे आ गए, डीपेस्ट अभी तक का, दैट इज 110 मीटर्स डीप। इसके नीचे या तो पता नहीं है नहीं, या एटलीस्ट जाना तो अलाउड नहीं है। और यहाँ तो कैफे वगैरह भी बना रखा है, मतलब एंड ऑफ द टूर। नहीं नहीं, केवल ब्रेक है यहाँ पर, और भी कहानियाँ भी बाकी है मेरे दोस्त। यहाँ टेम्परेचर करीब 14-15 डिग्री है एंड पूरे साल करीब ऐसा ही रहता है, इसीलिए सॉल्ट जमा रहता है। मैं इस टूर पे विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन आया था, मुझे पता ही नहीं था कि क्या होगा, क्या दिखेगा वहाँ पर। मैंने कोई ऑनलाइन रिसर्च नहीं करी थी, बस एक पॉपुलर ट्रिप था यहाँ पर ले लिया। बट आई रियली फील कि बहुत अच्छा ट्रिप है ना, अगर आप आ रहे हैं पोलैंड, आप ट्रैवल कर रहे हैं क्राकोव में, तो डेफिनेटली ये आप ले सकते हैं, लेना चाहिए आपको, हाईली रिकमेंड करता हूँ मैं। चीपर सी सॉल्ट ऑल्टरनेटिव और बाकी माइंस के कंपैरिजन में वेलिस्का में हायर प्रोडक्शन कॉस्ट के कारण फाइनली वेलिस्का सॉल्ट माइन को 1996 में बंद कर दिया गया, ऑलमोस्ट 900 साल की माइनिंग के बाद। दिस द एंड ऑफ द टूर, यहाँ से अब हम एज अ ग्रुप एग्जिट करेंगे थ्रू द एलिवेटर्स। अगर आपको ये टूर पसंद आया हो, एक यूनिक और डिफरेंट एक्सपीरियंस है, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा यहाँ पर। मैं आपको मिलूंगा एक और एपिसोड में, अपना ध्यान रखिएगा, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।